हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जब भी आप काम करते हो तो वहां पर आपको कौन से हजार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए आपने क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आप काम करते हो तो वहां पर आपको कौन से हजार का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला है कि अगर आप वर्क एट हाइट पर काम कर रहे हो और वो भी अनसेफ तरीके से, तो वहां पर ऊंचाई से गिरने का जो है वो खतरा वहां पर हो जाता है, तो वो वहां पर हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि लिफ्टिंग ऑपरेशंस अगर आप अनसेफ तरीके से करते हो तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि ऊंचाई से मटेरियल गिर सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट गिर सकता है, वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है स्लिप ट्रिप, वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि आपकी जो बॉडी है वो कहीं पर जो है स्ट्रक हो सकती है, वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि आग लगना, वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि अगर मशीनरी, जिस मशीनरी पे आप काम कर रहे हो उसको अगर गार्ड नहीं है, यानी कि वो अगर अनगार्डेड है, तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी एक्सेस है या फिर इग्रेस है वो अगर अनसेफ तरीके से है तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि वहां पर जो भी स्कैफोल्ड है वो अगर अनसेफ तरीके से है तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि जो भी एक्सकैवेशन वहां पर है वो अगर प्रॉपर नहीं है, यानी कि वो अगर अनसेफ तरीके से है तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या फिर कनेक्शंस है वो अगर अनसेफ तरीके से है तो उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, वो भी वहां पर खतरा है। फिर उसके बाद है कि जो भी व्हीकल हो या फिर फोर्कलिफ्ट हो जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही है वो अगर आप ओवरलोड कर लेते हो तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि अगर आप व्हीकल स्पीड में चला रहे हो तो वो किसी को हिट कर सकती है, या फिर जो भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स है वो भी किसी को हिट कर सकता है, वो भी यहाँ पर खतरा है। फिर उसके बाद है कि जो कैंटिलीवर लोडिंग प्लेटफॉर्म है वो अगर सही तरीके से नहीं है, यानी कि वो अगर अनसेफ है, तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि मोबाइल क्रेन अगर सही तरीके से नहीं है, यानी कि अगर वो अनसेफ है, तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर कंस्ट्रक्शन साइट पर है वो अगर अनसेफ तरीके से है या फिर अनस्टेबल है तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप काम करते हो वो अगर वर्किंग प्लेटफॉर्म सही नहीं है तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी शाफ्ट्स हो या फिर जो भी एजेस है उसको अगर आप कवर नहीं करते हो, वो अगर ओपन रह जाते हैं, तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी डस्ट जनरेट होती है या फिर फ्यूम्स होती है, वेल्डिंग के माध्यम से हो या फिर ग्राइंडिंग के माध्यम से हो, तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी आप सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हो, थीनर का इस्तेमाल करते हो या फिर पेंट का इस्तेमाल करते हो और उसको जो हैंडल करते वक्त अगर आप उसको सही से हैंडल नहीं करते हो तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी एक्सप्लोजिव्स है तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि हीट रेडिएशन जो है वो भी एक खतरा है। और फिर उसके बाद है कि जो भी आप काम कर रहे हो और उस काम करते वक्त अगर आपका बॉडी पोस्चर जो है वो सही नहीं है, यानी कि अगर गलत है, तो वो भी एक खतरा है। तो इस प्रकार जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर जब भी आप काम करते हो तो इन सारे खतरे का आपको सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहला है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको हाउसकीपिंग जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। फिर उसके बाद है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको जो भी व्हीकल आप चला रहे हो उसको ओवर स्पीड में नहीं चलाना है। फिर उसके बाद है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको आपको रिमूव करना है। फिर उसके बाद है कि आपको वहां पर इंस्टॉल करना है या फिर प्रोवाइड करना है जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो। फिर उसके बाद है कि साइट पर क्वालिफाइड जो इलेक्ट्रिशियन है वो वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि आपको जो डिफेक्ट फ्री केबल है उसी का ही इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, यानी कि उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि आपको वर्क एट हाइट पर फुल बॉडी हार्नेस का हमेशा इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी है उसको प्रॉपरली स्टैक करके रखना है। फिर उसके बाद है कि आपको सेफ्टी नेट को इंस्टॉल करना है वहां पर, उस हाइट पर कि जहां पर रिस्क लेवल जो है वो ज्यादा है। फिर उसके बाद है कि आपको फॉल अरेस्टर का ऊंचाई पर इस्तेमाल करना है जहां पर भी स्लोप एरिया हो या फिर ज्यादा हाइट हो। फिर उसके बाद है कि आपको जो भी एक्सकैवेटेड मटेरियल है उसको जो एक्सकैवेटेड एरिया है उसके नजदीक नहीं रखना है। फिर उसके बाद है कि आपको एक्सकैवेशन को गार्ड करके रखना है वो भी सुटेबल फेंसिंग से। फिर उसके बाद है कि सभी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो सारे के सारे जो है वो रूटेड होने चाहिए ELCB से या फिर RCCB से। फिर उसके बाद है कि आपको एम्प्लॉयज को या फिर वर्कर्स को फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराना है।
फिर उसके बाद है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है या फिर केबल्स है उसको आपको 2 मीटर ओवरहेड करके रखना है या फिर उसको अंडरग्राउंड करके रखना है ताकि उस केबल की वजह से कोई भी जो ट्रिपिंग हजार्ड है वो वहां पर ना हो। फिर उसके बाद है कि आपको वर्किंग जो प्लेटफॉर्म है वो आपको अच्छे से प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी ओपनिंग है वहां पर या फिर जो भी एजेस है उसको आपको क्लोज करके रखना है। फिर उसके बाद है कि जो भी मूविंग पार्ट्स है मशीनरी का उसको आपको गार्ड करके रखना है। फिर उसके बाद है कि जो भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है वो जो है वो अच्छी कंडीशंस में होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी फर्स्ट एड इक्विपमेंट है वो वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। और फिर उसके बाद है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी इम्प्लॉयज काम कर रहे हो या फिर वर्कर काम कर रहे हो तो ऑल द टाइम वहां पर उन्होंने पीपीई का इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारे कंट्रोल मेजर्स है ये आप कंस्ट्रक्शन साइट पर ले सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो तो वहां पर आपको कौन से हजार का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला है कि नाइट शिफ्ट में अगर लाइटिंग अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं है यानी कि इम्प्रॉपर वहां पर लाइटिंग अरेंजमेंट है तो वो एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि अगर नाइट शिफ्ट में ज्यादातर क्या होता है कि बिना परमिट का ही काम चलता है तो वो भी एक खतरा है। यानी कि नाइट शिफ्ट के लिए काम करने के लिए वहां पर अगर परमिट नहीं है तो वो भी एक खतरा है क्योंकि परमिट के अनुसार वहां पर जो कंप्लायंसेस है वो वहां पर फुलफिल नहीं हो पाते हैं। फिर उसके बाद है कि नाइट शिफ्ट में साइनेजेस जो है वो इम्प्रॉपर होते हैं, बैरिकेशन जो है वो इम्प्रॉपर होते हैं, वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि नाइट शिफ्ट में इम्प्रॉपर टूल्स का अगर इस्तेमाल होता है तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि नाइट शिफ्ट में काम जल्दी खत्म करने के लिए जो भी शॉर्टकट्स लिए जाते हैं तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि नाइट शिफ्ट में अगर बैड हाउस कीपिंग अगर होती है तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर नाइट शिफ्ट में जो एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं और काम करते वक्त अगर उसको नींद आ रही है तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि नाइट शिफ्ट में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं वहां पर वो अगर रिफ्लेक्टिव जैकेट का इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं तो वहां पर विजिबिलिटी नहीं रहेगी तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है कि वहां पर प्रॉपर पीपी का अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो भी एक खतरा है। और फिर उसके बाद है कि नाइट शिफ्ट में अगर जो भी नाइट शिफ्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो वो भी एक खतरा है। तो इस तरीके से नाइट शिफ्ट में आप अगर काम करते हो तो इन सारे खतरों का आपको सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इस हजार से बचने के लिए हमें क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे पहला है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर नाइट शिफ्ट में अगर आप काम करते हो तो काम करने का जो है वैलिड पीटीडब्ल्यू आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि नाइट शिफ्ट का काम शुरू करने से पहले जो भी आपके सुपरवाइजर है उन्होंने वहां पर टीबीटी जो मीटिंग है वो कंडक्ट करनी है एम्प्लॉयज के साथ में। फिर उसके बाद में नाइट शिफ्ट में वहां पर प्रॉपर लाइटिंग की अरेंजमेंट आपको प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद है कि जो भी पर्सन नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है और उसको अगर नींद आ रही है तो उसने वहां पर काम नहीं करना है या फिर उसने जो है चाय पीनी है या फिर उसने अपने फेस को वॉश करना है और रिफ्रेश होना है। फिर उसके बाद है कि जो भी इम्प्लॉय नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है उसकी अगर तबीयत सही नहीं है तो उसने वहां पर काम नहीं करना है और उसके बारे में उसने इमिडिएटली अपने सुपरवाइजर हो या फिर इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी इम्प्लॉयज नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो उन सभी ने रिफ्लेक्टिव जैकेट का नाइट के वक्त इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि आपको आपकी वर्क लोकेशन पर गुड हाउसकीपिंग जो है वो मेंटेन करके रखना है। फिर उसके बाद है कि नाइट शिफ्ट के लिए आपने क्लियर ग्लासेस का जो है वो इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो क्लियर हो सके और आपकी जो आंखें हैं उसको प्रोटेक्शन मिल सके। और फिर उसके बाद है कि जो भी मैंडेटरी पीपी हो या फिर जो एडिशनल पीपी है जो अकॉर्डिंग टू आपके जॉब है उसके अनुसार आपको पीपी का इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारे कंट्रोल मेजर्स है ये आपको नाइट शिफ्ट में जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो तो आपको लेने हैं।